टाटा पंच के ऊपर जो है 4 GB से लेकर 64 GB तक के चिप या पेन ड्राइव है। वाइब्रेशन आ रहा है। भाई साहब बहुत ही गजब इसमें वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ही हाई म्यूजिक है, देख सकते हैं आप वाइब्रेशन, ये म्यूजिक की वाइब्रेशन है, कंपनी फेवरेट म्यूजिक कुछ कम नहीं है भाई। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, वीडियो के करते हैं शुरुआत। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ टाटा पंच के ऊपर। आज हम जानेंगे कि टाटा पंच में जो म्यूजिक सिस्टम है ये कितने GB पेन ड्राइव सपोर्ट करता है, इसमें हम कितने GB पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में, तो जानते हैं हम अभी। तो देखिए, ये सबसे पहले जो है 64 GB की चिप रखी हुई है, ये कार्ड रीडर है जिसकी हेल्प से हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद 32 GB का ये पेन ड्राइव है, और ये आ गया 16 GB का पेन ड्राइव, और इसी के साथ 16 GB की हमारे पास जो है चिप भी है, ये भी सपोर्ट करती है या नहीं हम चेक करते हैं। 8 GB का पेन ड्राइव, ये HP का पेन ड्राइव है। ये 4 GB का फिर से एक पेन ड्राइव और है मेरे पास। मेरे पास जो है 4 GB से लेकर 64 GB तक के चिप या पेन ड्राइव है। तो हम अभी देखते हैं, एक एक करके हम इन सभी को यूज करके देखेंगे। इन पेन ड्राइव में मैंने कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक रखे हैं, तो अब हम इनको लगाकर देखते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं नहीं। सबसे पहले मैं 64 GB की चिप को यूज करता हूं, और इसका देखते हैं हम ये हमारी गाड़ी सपोर्ट कर पाती है या नहीं। ये अब रेडी है, जैसे ही हमने पेन ड्राइव डाला, चिप डाल रखी है, ये देखिए कार्ड रीडर जो है रीड कर रहा है, रेड लाइट इस पे आई हुई है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में कार्ड ने जो है यहाँ पर नहीं सपोर्ट किया 64 GB की चिप ने। अब हम चेंज करते हैं, अब हम लेते हैं 32 GB का पेन ड्राइव। ये अब हमने यहाँ इसको यूज किया, तो यहाँ पर फिर से कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 32 GB का पेन ड्राइव भी सपोर्ट नहीं कर पाया है। ये दोनों ही चिप जो है 32 और 64 GB की यूज नहीं हो पाए हैं। अब हम लेते हैं 16 GB का पेन ड्राइव, ये देखिए 16 GB, इसको यूज करते हैं। ये देखिए पेन ड्राइव जैसे ही मैंने अटैच किया, पेन ड्राइव जैसे ही अटैच किया तो ये इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो 16 GB के पेन ड्राइव से स्टार्ट हो जाता है टाटा पंच का म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट करना। ये जो गाड़ी है हमारी प्योर रिदम है, रिदम पैक से ऊपर जितने भी गाड़ी आती हैं उनमें सभी में पेन ड्राइव का स्लॉट यहीं पर आता है, और ये 16 GB से ऊपर की जितने भी पेन ड्राइव होंगे वो यूज नहीं कर पाएगा। ये गाड़ी जो है हमारी टाटा पंच ने अभी दिखाया कि 16 GB के पेन ड्राइव तक की सपोर्ट कर पाता है। 16 GB का पेन ड्राइव आप यूज कर सकते हैं, इससे नीचे का पेन ड्राइव या चिप अगर यूज करते हैं तो ही गाड़ी सपोर्ट कर पाती है, अदरवाइज इससे ऊपर का 32 का हमने यूज करके देखा, 32 का सपोर्ट नहीं किया। 16 GB का पेन ड्राइव है, सुनिए चेंज करके देखते हैं। ये कंट्रोल भी अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए और बहुत ही अच्छा साउंड है गाड़ी का।
वाइब्रेशन आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये गाड़ी के, गाड़ी से जो गाड़ी के इनबिल्ट जो कंपनी से फिटेड म्यूजिक सिस्टम आए हैं, ये उस वो म्यूजिक सिस्टम का टेस्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। और जैसे कि आप देख रहे हैं वाइब्रेशन भी आ रही है, जो बेस ट्यूब लगाते हैं कुछ लोग, बेस ट्यूब लगाने के बाद जो वाइब्रेशन आती है, बीट की धमक आती है, वो बिना हमें कोई बेस ट्यूब नहीं लगा रखी है, हमारी कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है और इसमें बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है। और ये तो हमारा, ये देखिए, ये है 16 GB का पेन ड्राइव। अब हम इस चिप को भी यूज करके देखते हैं। अब हम, ये हमारे पास 64 GB की चिप थी, ये 16 GB की चिप है। क्या चिप भी सपोर्ट कर पाती है? अगर आपके पास चिप है तो आप चिप का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये रीड करना शुरू कर दिया। ये देखिए वाइब्रेशन देख सकते हैं आप। गाड़ी की वाइब्रेशन ही है। ये था हमारे गाड़ी में, हमने यूज किया इस कार्ड रीडर की हेल्प से 16 GB की चिप को, और ये सक्सेसफुली हो गए हैं, दोनों चिप पोर्ट कर रही हैं। अब हम बात करते हैं 8 GB के पेन ड्राइव की। तो 8 GB का, ये देखिए, ये मेरे पास है 8 GB का पेन ड्राइव। अभी लगा के देखते हैं इसको। पेनड्राइव बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। अब हमारे पास जो लास्ट पेनड्राइव बचा है 4 GB का, अब हम जो है इसको यूज करके देखते हैं। 4 GB पेनड्राइव, ये देखिए 4 GB का पेनड्राइव है, अब इसको यूज करके देखते हैं। वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ही हाई म्यूजिक है, देख सकते हैं आप वाइब्रेशन, ये म्यूजिक की वाइब्रेशन है। कंपनी फिटेड म्यूजिक कुछ कम नहीं है भाई, टाटा वाला एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 GB का पेन ड्राइव। तो हमने अभी देखा कि हमारी गाड़ी ने, जो टाटा पंच ने है, 64 GB को सपोर्ट नहीं किया, को सपोर्ट नहीं किया। 16 GB पेन ड्राइव ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और इसी तरह जो हमारी चिप है 16 GB की चिप, इसने भी अच्छे से सपोर्ट किया। ये 8 GB का पेन ड्राइव बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, ये 4 GB का पेन ड्राइव। तो आप भी जो है, अपने पास अगर आपके पास कोई भी पेन ड्राइव या चिप है, तो आप 16 GB तक आपकी गाड़ी में लगा सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और आपकी गाड़ी कितने GB पेन ड्राइव तक सपोर्ट करती है। थैंक यू। तो भाइयों, देख सकते हो कितनी गर्मी है, पसीने हैं, गाड़ी मैं चला नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी का साउंड और कुछ फैन का साउंड जो है वो डिस्टर्बेंस करता,
तो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, फैन चलाया है, देख सकते हैं बहुत ही पसीना है आ रहा है। तो ये सब आप लोगों के लिए है, आप लोग जो इतना प्यार करते हो, मेरे वीडियो को इतना लाइक करते हो, आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट रही तो मैं जल्दी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ही मेरा एक ब्लॉग आने वाला है, मैं जो है लॉन्ग ट्रिप पर जा रहा हूँ अहमदाबाद से सोमनाथ और फिर द्वारिका, ये हम बाई ट्रेन जाएंगे। तो आज मेरे साथ जिन लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नए व्लॉग के लिए तैयार रहें। जी हाँ, 25 तारीख को मैं जा रहा हूँ बाई ट्रेन अहमदाबाद और उसके बाद से सोमनाथ द्वारिका। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।